हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। आप मार्केट वाली चाउमीन भूल जाएंगे जब मेरे तरीके से घर पर ये चटपटी सी चाउमीन बनाएंगे। बहुत सरल तरीका है इसे बनाने का, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे बनाएंगे हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। इसके सारे नूडल्स एकदम अलग अलग रहेंगे, चिपकेंगे नहीं। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में पानी को गर्म करते हैं। पानी में बहुत अच्छा उबाल आए उतना हमें इसे गर्म करना है। और उसके बाद देखिए, मैं यहाँ इसमें चार जो है वो चाउमीन के जो बंडल आते हैं उसे ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा छलनी से इसे हम चला देते हैं जिससे इसके सारे जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए। हाई फ्लेम करके हमें इसे बस 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। थोड़ा सा इस तरह से हम हिलाते हैं तो इसके सारे नूडल्स देखिए इस तरीके से एकदम खुल जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट के बाद एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये नूडल्स जो हैं वो पक गए हैं। हाथ से इस तरह से देखिए, दबाने से ये नूडल्स जो है एकदम से कट जा रहे हैं, यानी कि ये नूडल्स हमारा परफेक्टली पक गया। ओवर कुक नहीं करेंगे, ध्यान दें। गैस को बंद कर देते हैं और चलिए अब हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे एक बार ठंडे पानी से धो लेते हैं। पानी को पूरी तरह से हम निकाल लेंगे और उसके बाद देखिए इसे हम एक प्लेटफॉर्म पे फैला लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये चाउमीन हमारा घर पर ही देखिएगा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इस तरीके से फैलाकर हमें इसे एकदम से ठंडा कर लेना है। और अब इसके ऊपर 1 चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच डालते हैं तेल। चाउमीन को बॉयल करते समय हम पानी में न तेल डाले थे और न ही नमक। बिल्कुल सादे पानी में हमें पहले चाउमीन को बॉयल कर लेना है। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच तेल डालकर हाथों से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और एक बड़े बर्तन में या फिर एक प्लेटफॉर्म पे आप इसे बिल्कुल फैला कर रखें और एकदम इसे ठंडा होने दें। मार्केट में इसी तरह से पहले जो है वो चाउमीन को बॉयल करके तैयार करके रख लिया जाता है। तो इस तरह से अच्छे से कॉर्नफ्लावर और तेल को जब हम मिक्स कर लेते हैं तो मार्केट स्टाइल हमारा नूडल्स का प्रिपरेशन हो गया है। अब हम सब्जियों को काट लेंगे। तो 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 गाजर और यहाँ पर देखिए 1 टुकड़ा जो है वो मैं पत्ता गोभी का ली हूँ। आप यहाँ पर दूसरी और सब्जियों का भी यूज़ कर सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। तो अब इस पत्ते गोभी को हमें पतला पतला स्लाइस में काट लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक वेजिटेबल कटर का यूज़ कर रही हूँ जिससे बहुत ही आसानी से जो है वह पत्ता गोभी कट जाता है। और देखिए बिल्कुल ये पतला पतला कटता है। आप चाहें तो इसे चाकू से भी एकदम पतला पतला पत्ता गोभी को काट कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही जल्दी जो है वो एकदम पतले पतले पत्ता गोभी जो है वो ग्रेट हो गए हैं। आप बाकी दूसरी सब्जियों को भी इसी तरह से ग्रेट कर सकते हैं या फिर चलिए हम इसे नाइफ से काट कर तैयार कर लेते हैं। चाउमीन बनाने के लिए सब्जियों को हमें बस बारीक काटना होता है। थोड़ा मेहनत हमें सिर्फ इसे बारीक काटने में ही लगता है। तो प्याज को भी बिल्कुल लंबे लंबे ही हम कट करेंगे। और अब हम शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं। तो इसके सारे सीड्स हमें पहले निकाल लेना है और इसके बाद इसे भी हम लंबा काटेंगे। बारीक काटना है शिमला मिर्च को भी। तो सब्जी की मात्रा आप थोड़ा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें। आप बारीक करके हरी मिर्च भी काट सकते हैं और बारीक लहसुन को भी इस चाउमीन में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे छोटे बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ इसलिए इसमें लहसुन और हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अब देखिए प्याज को हमें इस तरह से हथेली से मसल लेना जिससे इसके सारे लेयर्स जो है वो अलग हो जाए। ये देखिए सारी सब्जियां कट कर तैयार है। प्याज के भी लच्छे जो है वो एकदम से अलग हो गए हैं। तो सारा प्रिपरेशन चाउमीन बनाने के लिए हो गया है। तो अब चलिए चाउमीन बनाने शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए हम खुले मुंह वाले बर्तन का यूज करेंगे और उसमें अब हम डालते हैं 1 से 2 चम्मच तेल। तेल को कढ़ाई में चारों तरफ फैला लेते हैं और अच्छे से इसे हम गर्म हो जाने देंगे। आप इसे पैन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो सारी सब्जियों को हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लहसुन और हरी मिर्च डाल रहे हैं तो पहले हरी मिर्च और लहसुन इसमें डाल लें, थोड़ा सा वो सौते कर ले उसे, उसके बाद उसमें सारी सब्जियों को ऐड करेंगे।
यहाँ पर आपको फ्लेम का ज़्यादा ध्यान देना है। सारा प्रोसेस हम हाई फ्लेम पे करेंगे, तो हाई फ्लेम करके इन सब्जियों को बस 2 मिनट तक हमें भून लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, इसका क्रंच बना रहे हमें बस उतना ही इसे भूनना है। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और एक बार मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को अभी हम हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम करके सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे भूनते हैं। और अब हम इसमें सॉस मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 चम्मच आप चिली सॉस डाल लें, ग्रीन या रेड आप कोई सा भी डाल सकते हैं। और इसमें अब डालेंगे 2 चम्मच टमाटो सॉस, मैं यहाँ डायरेक्ट डाल रही हूँ, आप इसे स्पून से ही डालें। 1 चम्मच डालेंगे अब इसमें सोया सॉस, सिजवान चटनी भी 1 चम्मच डालते हैं। अगर आप चाउमीन में लहसुन का यूज़ कर रहे हैं तो सिजवान चटनी स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच अब इसमें हम विनेगर डालेंगे और सभी को अच्छे से चलिए मिक्स कर लेते हैं। तो 0.5 से 1 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे, जिससे एक स्मोकी फ्लेवर जो है वो सॉस में आ जाए। तो सभी सब्जियों और सॉस को हमें पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी हमें लास्ट में ही डालना है, पहले डालने से इससे बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होगा तो सब चाउमीन जो है वो बिल्कुल चिपचिपा सा बन जाएगा। तो हाई फ्लेम करके कैबेज को अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर ले पहले। तो ये देखिए मार्केट जैसा एकदम इसमें कलर भी आ गया है और सब्जियां भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से कुक भी हो गई हैं और फ्रेश भी लुक आ रहा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चाउमीन। तो ये चाउमीन बिल्कुल देखिए अलग अलग है, एकदम चिपचिपा नहीं हुआ है। और अब इसे आप एक स्पून या फिर फोक से इस तरीके से नीचे से ऊपर उठा कर मिलाएं। हाई फ्लेम पे इसे बस 0.5 से 1 मिनट तक इस तरीके से ऊपर से नीचे उठाते हुए सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एकदम ये परफेक्ट हमारा चाउमीन जो है वो तैयार है। थोड़ा सा धनिया पत्ता से आप इसकी गार्निशिंग कर लें या फिर स्प्रिंग ऑनियन भी इसमें डाल सकते हैं। और चलिए अब गर्मा गर्म ये हम नूडल्स या चाउमीन जो है वो सर्व करते हैं। बच्चे देखते के साथ इसे खुश हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो तैयार है मार्केट से भी बेहतर बिल्कुल चटपटी चाउमीन घर पर ही बनकर। तो आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए।